डे एट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में हमने आपको रोमन में फर्स्ट पढ़ा दी थी रिएक्शन विद मेटल्स, देन रोमन में सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, पूरी मैकेनिज्म बता दी। इसी में अब आती है आपके पास में बी, इसका ए हमने आपको पढ़ाया था वन यूनिमोलिकुलर SN रिएक्शन। तो अब आती है बी नहीं टू बाय मोलिक्यूलर SN रिएक्शन। बाय मोलिक्यूलर SN रिएक्शन दैट इज SN2 रिएक्शन। इन दिस मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर गौर कर रहे हो तो SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक ही पर डिपेंड कर रहा था इसलिए यूनिमोलिक्यूलर, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन था। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व ओनली वन स्टेप जबकि SN2 में मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू स्टेप। यहां क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हेलोजन कंटेनिंग कार्बन पर, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो भी हुआ यहां पर पे H और ये X, इस पर पे बैक अटैक करता है, पीछे मॉलिक्यूल पर पे बैक अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन से अटैच होता है और हेलोजन हटता जाता है और यह बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो गौर करना भाई, SN1 रिएक्शन में तो बना था इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन और यहां बन रही है ट्रांजिशन स्टेट विच इज हाईली अनस्टेबल। दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हेलोजन कंटेनिंग कार्बन पर अटैच होता है और हेलोजन रिमूव होता है और अब यह डिसोसिएट हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पर आ जाता है और हेलोजन हट जाता है। यह मैकेनिज्म एक स्टेप में हो रही है। इंटरमीडिएट जो होते हैं थोड़े स्टेबल होते हैं, उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो, बट ट्रांजिशन स्टेट तो एक हाइपोथेटिकल, हाईली अनस्टेबल, आप इसे अलग कर ही नहीं सकते। तो ये एक ही स्टेप बना जाएगा पूरा का पूरा, और जब एक ही स्टेप है तो दैट मीन स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप है तो आप यहां पर पे बोलोगे अकॉर्डिंग रेट लो। रेट is directly proportional to concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile. So in rate law expression, rate directly proportional to concentration of alkyl halide and nucleophile. यहां इनका आएगा order of reaction. Order of reaction is equal to 2. इसीलिए इसको SN2 बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे हेडिंग में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म। यहां ऑर्डर आता है सबसे हाईली रिएक्टिव होता है सुपर 1 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और सबसे लेस रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। एक्सप्लेनेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन
इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। गौर करो भाई, पिछली वाली वीडियो को भी देखो और इसको भी देखो। एसएन वन में हमने आपको बताया इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और यहां आ रहा है इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे? यहां पर भी देखोगे आप सी एच 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 और हेलोजन कंटेनिंग कार्बन सी, यहाँ एक आर मिथाइल ले लेते हैं हम लोग सी एस थ्री एच एच और ये एक्स, एक को लिया हमने सी सी एस थ्री सी एस थ्री या एच और या एक्स सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और ये एक्स। सुपर वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री आप देखोगे यहाँ पर पे हाइड्रोजन 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 न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है इस पर में। यहाँ देखोगे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये आ गया मिथाइल। गौर करना मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल मिथाइल मिथाइल। बोलो भाई देखा क्या होगा। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, जो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है उस पर एक मिथाइल आया बड़ा लार्जर बल्काइल ग्रुप, दो आ गए तीन आ गए। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, इंक्रीज। क्या लिखते हैं देखा वर्ड में, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैज ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज ऑन हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज ऑन हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, सो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक इजीली, विल नॉट अटैक इजीली एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड एसएन2 मैकेनिज्म डिक्रीज। कितना अच्छा क्वेश्चन आया, लाओ इसी पे आपका क्वेश्चन दे रखा है, वही आपको कल की तरह से पेयर दिया जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एल्काइल हैलाइड विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म। पेयर में आपको दिया गया CH3 का होल थ्राइस सी सी एल एंड CH3Cl। आपको आंसर लिखने के लिए एक का तरीका हम बता देते हैं, बाकी आप बुक में देखना CH3 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 Cl। यहाँ लिखोगे आप सी सी एल एच एच एच, इधर थ्री डिग्री हैलाइड और इधर सुपर वन डिग्री। यहाँ बोलोगे हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैज ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक इजीली एंड इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन, इधर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2। ये आपके दोनों रिएक्शन हमने आपको बता दिए। अब आपके सी में आते हैं एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन। इसमें ए पहला आता है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान लगाओ भाई सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इतना सारे बच्चों में कॉमन सेंस है कि एल्काइल हैलाइड में एक सटेगा और OH आएगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल। तो ये आपके नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 10 में एल्कोहल की एक प्रिपरेशन आपको याद होगी। ऑर्गेनिक में सब इंटरकनेक्टेड, एक की प्रिपरेशन दूसरी की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन इसकी प्रॉपर्टी, तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल हैलाइड एनी एल्काइल हैलाइड। अब इतना कॉमन सेंस ध्यान लगाना,
कि अगर यहाँ पे 1 डिग्री सुपर 1 डिग्री है तो इट अंडर गोज एसएन 2 मैकेनिज्म, और ये 3 डिग्री है तो इट अंडर गो एसएन 1 मैकेनिज्म, और 2 डिग्री है तो दोनों दे सकता है, उसमें रेसेमिक मिक्सचर बनता है। बताएंगे आगे आपको क्या होता है। एल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH और NOH। एक्वस कितना जोर दिया मैंने, ध्यान लगाना, क्योंकि आपको इसकी रोमन में थर्ड रिएक्शन पढ़ाऊंगा। रोमन में फर्स्ट पढ़ाई रिएक्शन विद मेटल, रोमन में सेकंड पढ़ाई आपको जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रोमन में थर्ड पढ़ाई जाएगी बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वहाँ आएगा एल्कोहलिक KOH, तो वो अलग हो जाएगा थोड़ा। तो एक्वस KOH पे जोर दिया मैंने, अंडर गो SN रिएक्शन, और सबको पता है सब्स्टिट्यूशन होगा, R पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH और यहाँ से बाहर निकल जाएगा KX, और अगर NA है तो NX, एल्कोहल बनेगा, कोई भी आपको दे दे। अब ये तो क्या है, बच्चा बात है, CH3CH2Cl NaOH और यहाँ पर पहले दिया वाटर, देखते हैं बता दोगे एक वो NaOH, ये हो जाएगा CH3CH2OH और ये बाहर निकल जाएगा NaCl, इट इज कॉल्ड एथेनॉल। बी सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सारे बच्चे पहले से एडवांस मन में सोच लो कि हुआ क्या होगा। एल्काइल हेलाइड में एक्स हटेगा, आर एक्स, एक्स हट गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, और उस जगह आएगा ओ आर। इतनी देर में देखा सबने सोच लिया क्या, आर एक्स में एक्स हट गया, उस जगह आ गया ओ आर, तो बनेगा आर ओ आर ईथर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में ईथर की दो ही प्रिपरेशन आपके कोर्स में है, और आपको वंडर होगा एक प्रिपरेशन तो यहीं आ गई है फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। तो एल्काइल हेलाइड से ईथर बनेगा, तो देखते हैं कैसे। एल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड RON, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू गिव RORऔर NaX बाहर निकल गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई बिकॉज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये आपको लेसन नंबर 10 में भी कह रखा, राइट शो नोट ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस वर्ड में आप आराम से बोलोगे। एल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, इट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कैसे, CH3CH2Cl और यहाँ ले लिया हमने NaOC2H5, सोडियम एथोक्साइड यहाँ से हो जाएगा, तो बोलो भाई देखा क्या बन रहा है, CH3CH2OC2H5 को भी एक्सटेंड कर दो भाई, तो CH2CH3 डाई इथाइल ईथर। 11th में नोमेनक्लेचर में सब सिखाया हुआ है आपको, डाई इथाइल ईथर और IUPAC में देते तो सेलेक्ट कर ली दो कार्बन की चेन, तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा एथोक्सी एथेन, याद आएगा आपके, इसलिए याद रखो सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड, और अगर IUPAC में बोलते तो आप नाइट्राइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड और नाइट्राइल ग्रुप। सो सिंपल, और समझो कितने मजेदार क्वेश्चन है इसमें। एल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद KCN और NaCl एक्वस टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल, KX और NaX, ये बन जाएगा। क्वेश्चन आता है जो आपको अभी बताएंगे आगे, इसमें डी पहले ये समझो, सब्स्टिट्यूशन बाय
आइसोसाइनाइड ग्रुप आरएक्स रिएक्ट विद एजीसीएन सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म आइसोसाइनाइड और एजीएस बार निकल गया। अब यहां इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन कितना, जिन बच्चों के कंसेप्ट अच्छे हैं वो अभी समझते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट, बट एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट, व्हाई? एक्सप्लेन करो। तो आंसर सुनो बेटाओं की क्या है, KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, और जब आयोनिक कंपाउंड है तो इसके पास K प्लस बी है और CN माइनस बी है, और CN माइनस को देखना स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये CN माइनस, इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब है इसका कार्बन और नाइट्रोजन बोथ एटम आर केपेबल टू डोनेट लोन पेयर, यानी सी भी लोन पेयर दे सकता है और एन भी, इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां सी भी लोन पेयर देगा आर पर और एन भी देगा, बट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन नाइट्रोजन, सो कार्बन ऑफ साइनाइड अटैक ऑन कार्बोकेटाइन एंड प्रीडोमिनेंटली फॉर्म एल्काइल साइनाइड, बट AgCN येलो में आंसर ही हो गया, इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। और स्ट्रक्चर देखो गौर से तो आप देखोगे इसका सी लोन पेयर देने में कैपेबल नहीं है, तो है तो साइनाइड ही सिल्वर साइनाइड, पर इसका नाइट्रोजन लोन पेयर देगा और आर पर में नाइट्रोजन अटैच होगा, और आर पर अगर नाइट्रोजन अटैच होगा तो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो अगेन व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, बिकॉज केसीएन इज एन आयनिक कंपाउंड, सीएन माइनस इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, इसका कार्बन और नाइट्रोजन बोथ आर केपेबल टू डोनेट लोन पेयर, बट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, सो कार्बन ऑफ साइनाइड अटैक ऑन कार्बोकेटाइन एंड फॉर्म एल्काइल साइनाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट, बट AgCN इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, ओनली नाइट्रोजन एटम इज केपेबल फॉर डोनेशन लोन पेयर एंड नाइट्रोजन अटैच टू कार्बोकेटायन एंड फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड इज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके।